जय हिंद दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। और मैं सारे संसार को हम भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर साल दोस्तों ये जो इंटरनेशनल यूथ डे है, एक थीम के साथ मनाया जाता है। वैसे ही इस साल इस इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशंस फॉर द ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। इस थीम का उद्देश्य यह बताना है कि वैश्विक प्रयासों की सफलता युवा लोगों की भागीदारी के बिना हासिल नहीं की जा सकती। इस वर्ष इसका आभासी आयोजन खाद्य और कृषि संगठन और बच्चों व युवाओं के प्रमुख समूह के साथ साझेदारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग DESA द्वारा किया जाएगा। पर 12-13 अगस्त को यूथ लीड इनोवेशन फेस्टिवल मनाया जाएगा, यानी आज और कल यह फेस्टिवल चलता रहेगा। यह AHDG की उपलब्धि और COVID-19 महामारी से उभरने के लिए नवीन युवा नेतृत्व वाले समाधानों का उत्सव है। इंटरनेशनल यूथ डे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूथ की सिफारिशों पर वर्ष 99 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में नामित किया गया था। वैसे सबसे पहले इंटरनेशनल यूथ डे का आयोजन 12 अगस्त 2000 को किया गया था। दोस्तों, युवाओं की मस्ती देखते ही बनता है, लगता है काश हम भी उस जमाने में ये सब कुछ कर पाते जो आज के न्यू जनरेशन कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर बैठे आप संसार को देख सकते हैं, घर बैठे आप सबसे बात कर सकते हैं। ये बच्चे अब कटिंग एज इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, घर से ही देखना, घर से ही बातें करना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनके लिए एक मामूली सी बात हो चुकी है। ऑप्टिकल फाइबर का ज़माना है, बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम की हमारे पास कमी नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे नहीं, सुपर एक्सप्रेस हाईवे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ने बना दिए हैं, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। इसी का एडवांटेज है कि हम ये हाईटेक इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ मस्ती के ये क्षण काश हमने भी देखे होते, लेकिन ये अल्हड़ जवानी में ही ऐसी मस्ती किया जा सकता है। बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, शरीर में ताकत होती है, हंसने कूदने खेलने के यही तो दिन होते हैं, और तरक्की करने का भी यही समय होता है जब हमें हार्ड वर्क करके दुनिया के सामने अपने को रखना पड़ता है। अगर हमारे जवान मस्ती युवा दिवस के अवसर पर सभी संसार के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इस बार हमारे 126 युवा खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स के लिए टोक्यो गए और उन्होंने कमाल करके दिखाया। 7 मेडल्स वो लेके आए हैं और एक रिकॉर्ड बनाया है हिंदुस्तान के लिए। हम सब भारतवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम जब वो जाएंगे तो साथ नहीं 100 लेके आएंगे, साथ नहीं वो 100 लेके आएंगे। और क्योंकि इस बार उनके हौसले बुलंद हैं, फैसिलिटीज जो सरकार दे रही है उसको आगे बढ़ाना होगा। स्पोर्ट्समैन के लिए हर जगह एक कोटा रखना होगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल का। उस गाइस, इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री एट टोक्यो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल इंडियन टोक्यो ओलंपिक मेडल विनर्स। इंडिया साइंड ऑफ द टोक्यो गेम्स विद द 7 मेडल्स।
इन एथलेटिक्स वन गोल्ड, जेवलियन थ्रोवर नीरज शर्मा, रेसलिंग टू सिल्वर रवि दहिया, ब्रॉन्ज बजरंग पूनिया, वन सिल्वर अमीरा बाई, हॉकी ब्रॉन्ज, एंड आफ्टर 41 ईयर्स वी हैव अचीव्ड बॉक्सिंग वन ब्रॉन्ज, लोनीना बैडमिंटन वन ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु। दोस्तों, इंडियन यूथ से मेरा ये संदेश है कि अपने विजन को ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना होगा, वाइड स्पेक्ट्रम और एक टारगेट रखना होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एक वेरी सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट्स पुट करना है, और मेरी मानो वो गोल आप अचीव करोगे ही करोगे, आज नहीं तो कल उस टारगेट तक आप पहुंच पाओगे। बस आपको एक थोड़ा सा काम करना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, दिन रात एक करना है। इसी के साथ मैं अगेन सबको इंटरनेशनल यूथ डे पे बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब भारतवासियों की तरफ से। जय हिंद।